Subscribe my channel Ambi News Presenting and press the bell icon to never miss a video from our channel. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन पांच कारणों की वजह से छोड़ी कांग्रेस पार्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने अंबेजी न्यूज प्रेजेंटिंग चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन बड़े पांच कारणों की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पावरफुल राजनेता मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इन पांच बड़े कारणों को। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में होली के दिन ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला। आपको बता दें कि एक ओर पूरा देश जहां होली का पर्व मना रहा था तो वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा लेकर गांधी परिवार को अपने सभी संबंधों को एक विराम दे दिया है। त्याग पत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा है कि पिछले वर्षों से ही वह रास्ता तैयार हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। तो आइए इस बारे में हम आपको पूरी चर्चा में बताते हैं। दोस्तों, इन पांच बड़े कारणों की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उन पांच बड़े कारणों को। नंबर एक कारण की बात करें तो प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद से प्रदेश सरकार और संगठन प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का रुतबा काफी बढ़ गया था, जिसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुतबा काफी कम हो रहा था। दूसरे कारण की बात करें तो मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों से सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता ही जा रहा था। कमलनाथ का नेतृत्व वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तीसरे बड़े कारण की बात करें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के असंतोष को संभालने की कभी भी कोशिश नहीं की और यह दरार बढ़ती गई। चौथे बड़े कारण की बात करें तो जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तब सिंधिया का रुतबा पार्टी में कमलनाथ से भी ऊपर चलता था। दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का नेतृत्व खत्म होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी रुतबा बहुत कम होने लगा। दोस्तों, सबसे बड़ा पांचवा कारण यह रहा कि मुख्यमंत्री के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध लगातार खराब हो रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना सही है या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।